चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला रूल नेक्स्ट है, इफ अल्फाबेटिक साइड चेन कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द साइक्लिक चेन, ओके, बट इफ इट हैज सम फंक्शनल ग्रुप ऑन इट देन द साइक्लिक चेन इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट। ये मैंने आपसे आपको देखो अब यहां पर सीन क्या है, मैंने कहा कि रिंग में कार्बन ज्यादा होंगे तो रिंग को काउंट करेंगे और बाहर कार्बन ज्यादा होंगे तो बाहर काउंट करेंगे। सीन एक और है, यहां पर अगर बाहर वाली चेन में कोई फंक्शन ग्रुप आ गया तो फिर बाहर को ही काउंट करेंगे, रिंग आपके लिए उस टाइम पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूट के जैसी ही होगी, कोई चारा नहीं है आपके पास। बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे, जरा उससे समझना, ठीक है, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं जरा उसको समझना। मान लो कि आपके पास है ना, यहां पर है ना कितने कार्बन है, एक और दो ही कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और यहां पर मैंने एक रिंग लगा रखी है ये वाली। अब देखो यहां पर सीन, एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक और एग्जांपल बनाता हूं मैं, एक दो और यहां पर आपने रिंग लगा रखी है चार कार्बन की, ठीक है, एक दो तीन चार, चार कार्बन की सेम एग्जांपल, लेकिन वहां पर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब देखो अब कैसे करोगे काउंटिंग, कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस वाले में तो क्योंकि बाहर दो ही कार्बन है, ये एक और ये दो, तो ये सब्स्टिट्यूट के जैसा होगा, यहां काउंटिंग करोगे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर, ये सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया, इसको बोलेंगे इथाइल। काउंटिंग आप साइकिल को करोगे और वो सब्स्टिट्यूट के जैसा होगा, लेकिन उस तरफ फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो अब नहीं हो सकता, इन दैट केस आपको इसको काउंटिंग देनी है वन एंड टू, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया, ये सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है, और डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने आपसे कहा जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको उसी को काउंट करना है, फिर आपके लिए सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटाइल है, आप लिखोगे वन साइक्लोब्यूटाइल, अब इसका नाम लिखने जाओगे तो वहां पर इसको सब्स्टिट्यूट के जैसे लेना है साइक्लोब्यूटाइल, जबकि इन दिस केस यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, यहां पर इस साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इन दैट केस वो सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। आंखें फाड़ के देखो दोनों में फर्क क्या है, उसमें क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड है, वो फंक्शन ग्रुप हो गया, वो फंक्शन ग्रुप है तो उसको काउंटिंग करनी पड़ेगी, सिंपल। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, सो फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और अगर फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, आया समझ में। अब जैसे इन दोनों के नाम लिखते हैं, चलो इसका और उसका नाम क्या होगा, तो चलो मैं आपको नाम लिख के बताता हूं। पहले वाले का नाम तो बहुत आसान है, क्या लिखोगे, वन नंबर पे क्या आ रहा है, वन इथाइल, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, सिंपल है, साइक्लोब्यूटेन, वन इथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया, सही है। उस वाले का नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है सब लोगों को, सो वहां पर उस वाले का नाम क्या होगा, जरा आप चेक करो, वन एंड टू, ठीक है, सो इन दैट केस आपका सेकंड वाले का नाम क्या हो गया, अब आपके लिए ये सब्स्टिट्यूट की तरह हो गया, सो हाउ यू राइट इट डाउन, तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे, वन साइक्लो, ये सब्स्टिट्यूट के जैसा है, ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ, वन इन, ये नाम हो गया इसका, ये लो, समझ में आया, दोनों में फर्क है, देखो डबल बॉन्ड आते ही दोनों में फर्क हो गया, ये मतलब निकलता है इसका, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, आ गया, ये मतलब निकलता है, तो दोनों में नाम में फर्क देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है।